ये पुरानी दिल्ली में है मैं। न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली अजमेरी गेट का, अजमेरी गेट में। ये देख लो जी केजरीवाल जी, आपकी दिल्ली का क्या हाल है? आप लोग मच्छर चेक कराने भेजते हो उधर में, ये आप इसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे, आप ये चेक करो। गवर्नमेंट का काम है जिसका पूरे में मलबा ही मलबा भरा हुआ है, मलबा ही मलबा है पीछे सारा, ये हाल है। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं पूरा दिन आज घूमती रही, आज सुबह 12 o'clock निकली थी, फिर उसके बाद अभी आई हूँ 9:30 बजे आई थी। तो पूरा दिन वहाँ घूमती, चाय लेने गई पुरानी दिल्ली, पहले कोर्ट गई थी किसी काम से, फिर चाय लेने गई, फिर वहाँ से मैंने थोड़ी दूर दूर है हलवाई की शॉप पे गई, मतलब मैं मिठाई वहीं की खाती हूँ क्योंकि वहाँ पर देसी घी की मिठाई बनती है और अच्छी होती है और प्राइस भी लेस होता है, और मुझे अब यहाँ की अच्छी नहीं लगती। फिर मैं वहाँ से एक बैग था एक्चुअली, वो मेरे को पसंद आया था दिल्ली गेट पे, अब वो गोलचा है, गोलचा के पास है, मैं फिर लाल किला आ गई, फिर मुझे गोलचा जाना पड़ा, वो बैग मैंने सोचा चलो वहीं के मेट्रो स्टेशन से वापस आ जाऊंगी, फिर गोलचा गई, वो बैग पे मेरा दिल आ गया था। ज़्यादा महंगा नहीं था, 120 रुपये का बैग था, लेकिन उसमें ना पीछे हैंग करने का है और सारा सामान आ जाता है, तो मैंने वो लिया, फिर उसमें सामान डाला, फिर मैं आ गई वापस, लेकिन टाइम लग गया आने में, थोड़ा और भी कोई काम था मुझे रास्ते में वहाँ, वो भी निपटा के आई। अब कल भी शायद मुझे सुबह 10 बजे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, किसी ने मेरे पैसे मारे हुए हैं, वहाँ जाना है नोएडा, तो देखते हैं अब कल का कल। लेकिन और फिर मैंने रास्ते में ये वीडियो बनाई, ये जो गंद मचा हुआ है सड़कों पे जगह जगह, अब मैंने ना एक जहाँ भी गंद देखूँगी ना मैं वीडियो बना के केजरीवाल जी को भेज दूँगी, तो वो वीडियो मैंने इसके साथ मतलब अभी आपको दिखाई है, तो वो भी साथ में है। तो आप लोग भी प्लीज़, आज रिक्शा में भी ऐसे हुआ मेरे साथ कि एक लड़के ने बोला रिक्शा में बैठे बैठे मैं जब वापस आ रही थी किसी को कि ये बोतल सड़क पे क्यों फेंक रहे हो, कोई फेंक रहा था रिक्शा में ही बैठ के, तो वो दूसरे रिक्शा में था, तो वो कहने लगा चलना भाई तू बड़ा प्रधानमंत्री आया। मैं उसके पीछे पड़ गई, मैं कहा दो थप्पड़ पड़ेंगे अगर यहाँ पर थूक फेंकी या कुछ गंदगी फेंकी सड़क पे। तो वो मेरे से माफ़ी मांगने लगा, मैंने कहा तो ये मत सोच कि ये बंदा बोल रहा है तुझे तो तू उसके ऊपर रोक डाल लेगा। तो अब देखो अगर ऐसे देश में अगर तुम गंदगी फैलाओगे, थूके जो थूके फेंके ना उसके एक थप्पड़ लगाओ खींच के, थूक फेंकना इतना इरिटेट करता है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। लोग ये जो थूक फेंकते हैं ना जगह जगह, मेरे को बड़े आपके सामने से ही फेंक के चले जाते हैं, स्पेशली बिहारी बहुत, और रिक्शे वाला खुद कह रहा था दूसरा जिसपे हम बैठे थे कि आप सही कह रहे हो कि बिहारी बहुत गंद मचाते हैं, ये गलत बात है, तुम बिहार से दिल्ली में आए हो पैसा कमाने तो यहाँ पर गंद क्यों मचा रहे हो इतना। तो बस एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और आप लोगों को भी देखो ऐसे जगह जगह मलबे फेंकते हैं लोग, एटलीस्ट उनसे पूछा करो अगर आपके घर की कंस्ट्रक्शन होती है कि आप मलबा कहाँ फेंक के आते हो, इलीगली फेंकते हैं सड़कों पे इधर उधर, तो ये चीज़ें हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत गंदगी है यहाँ पर दिल्ली में, पॉल्यूशन वैसे ही है, पॉपुलेशन वैसे ही ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एटलीस्ट अपने घर के आगे झाड़ू लगा कर उसको कूड़ा इकट्ठा करके और उसको पॉलीथीन में डाल के अपने घर के अंदर रखो, कोशिश करो अच्छे डस्टबिन यूज़ करो जिसमें पॉलीथीन ना लगाना पड़े, पॉलीथिन कम से कम यूज़ करो, अपने आप भी तो अवेयरनेस चाहिए ना इंसान को, तो आप कोशिश करो। देखो मैं तो करती हूँ, बाकी सब मिलके करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, और बाहर के देश अपनी सफाई के लिए फेमस हैं,
तो इंडिया क्यों नहीं? तो उनसे अगर नकल करनी है तो ये नकल करो सबसे पहले, अमीर बाद में बनना, पहले सफाई करो अपने देश की। तो ये मैसेज केजरीवाल जी को ही जा रहा है, नीचे लिखा जाएगा केजरीवाल जी का नाम, अगर वो देख ले तो बहुत खुशी होगी, कोई एक्शन ले। लोगों के लिए भी है वैसे ये, मोस्टली लोग भी देखो बहुत, वो अकेला आदमी क्या कर लेगा। इंडिया कंट्री हमारी इतने सालों से सुधरी नहीं है, 100 साल पुरानी राजनीति खेली जा रही है यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है हमारे देश में, प्रधानमंत्री की, उसने हमारे देश को ख़राब कर दिया है। वो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों ने वोटिंग करी थी, बस वो जिद्दबाजी में उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो करो एक्सेप्ट और उसको त्यागो, गवर्नमेंट को, आपका भला होगा, क्योंकि वो भी वही काम कर रही है जो अंग्रेजों ने किया था। नेता क्या करते हैं, अपना पैसा स्विस बैंक में डालते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो उसी कंट्री का हो जाता है, तो वो भी इनडायरेक्टली आपका पैसा देश से बाहर ही भेज रहे हैं, जो आजकल के नेता हैं बड़े बड़े। मैं इशारा कर रही हूँ, समझ जाओ अडानी ग्रुप का कौन मालिक है, आपको तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे मत बनो। अब आप ये भक्ति करनी, अंधभक्ति करनी छोड़ दो, अब थोड़ा सा उसको ट्रेस करो जो फॉल्ट है, और सही नेता का चुनाव करिए। हम ये नहीं कहते कि केजरीवाल को ही वोट करिए, कोई और भी नेता होगा अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहना, किसी और को वोट दे दीजिए, इंडिपेंडेंट पार्टी को वोट दे दीजिए, आप अपना बंदा खड़ा करिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। हम तो ये कहते हैं कि देश का भला होना चाहिए, दैट्स इट, थैंक यू, गुड नाइट। आप मुझे सब्सक्राइब करते रहो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी।